हमारे एजुकेशन सिस्टम में डॉक्टर जार ने क्लास 9, 10, 11, 12, ओ लेवल्स, ए लेवल्स सबको ख़त्म कर दिया और क्लास 8 से ही स्टूडेंट्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर जार से खुद ही पूछते हैं कि कैसे पॉसिबल है। भाई देखो, तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि हम सब, यू, मी, हिम, हर, एवरीबॉडी, वी आर, हम एक ही सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। नर्सरी, क्लास 1, 2, 3, मैट्रिक, एंटर, देन यू गो टू द प्रोफेशनल। अब टाइम बदल गया। मेरा एक सवाल है, अभी अगर तुम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पर अटक जाओ तो उसको कौन सॉल्व करेगा? बच्चे। आई रेस्ट माई केस। ठीक है, टू आई एग्री। ठीक है ना, इसका मतलब दे आर बॉर्न विद दैट टेक्नोलॉजी। देखो, मैं, मेरा काम आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं आई एम नॉट अ फिलोसोफर जो आएगा एक फिलोसफी लेके, आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। मैंने देखना यार, मेरी जो हमें 9th, 10th, 11th, 12th तक पढ़ाया गया ना, अगर हमें उस वक्त मेडिकल कॉलेज में डाल देते तो हम लोग सारे जो है ना इंटर की एज में डॉक्टर्स थे। यंग डॉक्टर्स। भाई यंग क्या, आप हमें टीनेज डॉक्टर्स कहते हैं, फर्क क्या पड़ता है? जो स्किल और जो जो एक्सपीरियंस है वो आप बाद में गेन करते हैं। जो आप मुझे इस एज में, आप लेट्स से, मैं तुम्हें कल को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देता हूँ और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, तुम्हारे स्किल लेवल आने में 4-5 साल का टाइम लगेगा। ठीक, जहाँ पे, और वो टाइम होता है जब आप पोस्ट ग्रेड में जा चुके होते हैं, यू नो, लाइक आपने शुरू का सारा सब्जेक्ट मैटर पढ़े। कौन कहता है कि मेडिसिन पढ़ने में 5 साल चाहिए? उतना टाइम चाहिए जितना तुम्हारे, तुम्हें रिक्वायर्ड है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम इज रिडंडेंट ग्लोबली, जहाँ पर भी ये क्लासेस व्लासेस हैं, जितनी थियोरीज हैं, मैं आई एम निगेटिंग ऑल थियोरीज। जिसको भी मेरे साथ प्रॉब्लम है वो आके मेरे से बात करें। मैं इसी कह रहा हूँ क्योंकि देखो, एजुकेशन में सबसे बड़ी जो मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, जो मेरी ज़िंदगी में जो मैंने आज तक सुनी है, वो ये है कि जो हाई आईक्यू जो होता है ना, वो बड़ा सुपीरियर होता है। और वो हाई आईक्यू किसको काउंट करते हैं? कि उसने मैथमेटिक्स की कितनी प्रॉब्लम जो है कितनी देर में सॉल्व कर लिए। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेहुदा मैंने आज तक कोई चीज़ सुनी नहीं। जब मैं ज़िंदगी में बाहर निकल के मैंने देखा तो मैं, जितने बड़े बड़े तुम शायर उठा लो, ऑथर्स उठा लो, सियासतदान उठा लो, जो भी एलोक्वेंट था, जिसकी वोकैबुलरी पे कमांड थी, वो कुछ ना कुछ बन गया। मैथमेटिक्स को आपने एक खुदा का दर्जा दिया, नाउज़ुबिल्लाह, और कहा कि जी जो मैथमेटिक्स में पक्का है वही हाई आईक्यू है। तो भाई हम बेवकूफ़ थे क्या? आपने हमें ड्रा ड्रा के मैथ्स कराया गया। मैथ्स इज़ अ लवली सब्जेक्ट, इट्स ब्यूटिफुल। सारी अल्लाह ताला खुद मैथमेटिशियन है। तो आपने इतने बड़ी, इतने सुपर्ब सब्जेक्ट को इतना मुश्किल करके पेश कर दिया। अब जो अलजबरा है या ज्योमेट्री है या ये चीज़ें वो हैं जो आप बाद में सिखाएं। यानी मेरा एजुकेशन सिस्टम का जो मैं जो रेवोल्यूशनाइज, तुम कह रही हो कि मैंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, अभी इंटरव्यू से पहले तुम कह रहे थे, मैंने रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, मैंने वैक्यूम फेरा है। एवरी वैक्यूम शुड बी रिमूव। माँ बाप बेचारे पहले जाते हैं, और मैं सब हम चलेंगे, ये रियलिटी सब माँ बाप ने भुगती है। पहले स्कूल कौन से में डालें? अच्छा जी, ये स्कूल बड़े अच्छे हैं, ये इनके करेंगे तो फिर वो जो बड़े क्लास 1 से जो स्कूल्स हैं, वो उधर एक अलग माफिया बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि जी क्लास में आपका बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है। उधर आर दे, मैं ये बिलीव करता हूँ एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अ हाई आईक्यू मैन और अ हाई आईक्यू वुमन। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो, ये इसको इसलिए एडमिशन दिया, इसको इसलिए एडमिशन नहीं दिया? चंद इदारे हैं, उनकी मोनोपोली बन गई है। टू हेल विद ऑल ऑफ दैट, हर एक के पास एक मोबाइल है। मैं कह रहा हूँ प्लीज़ ज्वाइन इन, मैं देता हूँ डिग्री, मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कर रहा हूँ सब कुछ। मैं जो ब्रेक करने जा रहा हूँ वो स्टीरियोटाइप है। सो डोंट थिंक मुझे, आप क्लास 8 को मैंने क्यों एज अ एग्जाम्पल दिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कहता 6 से डॉक्टर बनना, तो प्रॉब्ली हाफ ऑफ द पब्लिक वुड थिंक दैट आई एम गॉन क्रेजी। मैं उनको उस एज में लेके आया, जितनी थियोरीज हैं सब पढ़ पढ़ के मैं आया। मैं एजुकेशन, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, तो देखो ना, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ ना, तो इन अ वे आई एम एन एजुकेशन इकोनॉमिस्ट, राइट? तो मेरा काम ये है कि मैं देखूँ कि किस तरीके से एक शख्स की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ हिज
nationality. Another question parallel to this one. अब एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं जी मेरा कोई एंट्री टेस्ट नहीं सब इज ऑल बिजनेस दिस इज ऑल प्योर बिजनेस एंट्री टेस्ट क्या होता है यार क्यों मैं हमारे जमाने में तो कोई एंट्री टेस्ट नहीं था सीधा सीधा अम्मा पर कॉलेज में स्कूल में डाला वहाँ से मैट्रिक किया इंटर किया लो जी अब आप एंट्री टेस्ट भी देते हैं क्यों इसी के कॉम्पिटिशन बढ़ गया अगर पाकिस्तान में 1 लाख बच्चा 90% लेके आता है तो उस 1 लाख बच्चे का पूरा हक है कि वो सब के सब डॉक्टर बने आप उनको वो कर देते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं भाई व्हाई आर यू डिस्कार्डिंग एनीबॉडीज चाइल्ड वी डोंट हैव द राइट अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है एक बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है एक बच्चा म्यूजिशियन बनना चाह रहा है आप उसको वो पाथवे दे दें और हट जाएं कल को आपके जो म्यूजिशियन है वो डॉक्टर भी होगा अनदर क्वेश्चन हाँ इसी के साथ देखें अब हर बच्चा बनना चाहता है लेट्स सपोज दिस इज स्टूडेंट ए ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर एंड दिस इज स्टूडेंट बी ही आल्सो वांट्स टू बी अ डॉक्टर बट द ए इज मोर केपेबल ओवर बी मार्क्स चले उनके सेम आ गए अबाउट द मेहनत एंड एवरीथिंग अब आपने दोनों को एक ही पाथवे में डाल दिया हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश देम एबिलिटी तो बच्चे की डिपेंड करती है तुम्हारा जो सवाल है ना वो उसी सिस्टम की पैदावार है बिल्कुल ऐसा ही है मेरा नहीं है मैंने हर बच्चे को जो मैं एजुकेशन सिस्टम लेके जो मैंने डेवलप कर दिया मैं इम्प्लीमेंटेशन में चला गया हूँ ना अब हर बच्चे की वोकैबलरी में हर यानी मेडिकल व्हाट इज मेडिसिन बट वोकैबलरी व्हाट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट वोकैबलरी व्हाट इज डेंटिस्ट्री बट वोकैबलरी ये पहले तो आप वोकैबलरी से फेमिलियरिटी लेंगे ना फेमिलियराइजेशन तो होनी चाहिए ना आपकी कि आप क्या कर रहे हैं तो अगर मैं 8वीं तक सारे बच्चों को 6 जो अब हम सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं कि मेडिसिन की वोकैबलरी भी आ गई इंग्लिश की भी आ गई उर्दू की भी आ गई और कौन सा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की आ गई जो मर्जी सब्जेक्ट ले लो उसकी अगर उनको वोकैबलरी आ गई नाउ दे विल डू द उनके लिए जो आपने अगले 4 साल या 2 साल या 3 साल रखे वो आसान हो गए ओके यानी अगर तुम एज अ डॉक्टर आई एम टॉकिंग अगर तुम मुझे कहोगे डॉक्टर साहब एक पेशेंट आता है उसको रीनल कॉल है क्या तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि तुम कौन हो डॉक्टर एग्जैक्टली वो तुम आगे मुझे बोलोगे किडनी पेन है गुर्दे में दर्द है फिर मुझे पता है कि आप नहीं है डॉक्टर तो ये रिकग्निशन तो मैं पहले ही करा दूंगा सही मैंने करा दी मैं कह रहा हूँ माँ बाप को चाहिए दे शुड जस्ट इमीजिएटली मैंने सिस्टम लेके ही इसलिए आया हूँ कि आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी स्टीरियोटाइप और मेरे पास मैं कोई आम सिंगल पसली आदमी नहीं मैं पीछे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में खड़ी की है मैंने क्योंकि मुझे मालूम है कि जो माफियाज हैं एजुकेशन में माफियाज जितने भी हैं तो वो उनका मेरा हेड ऑन क्लैश होने वाला है सो मेरा कोई हेड ऑन क्लैश उनके साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो बेचारे वही कर रहे हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक मनी एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक मनी लेट्स बी ऑनेस्ट मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी डिसऑनेस्ट कि जी ये चीज़ जो है उसकी क्या कॉस्ट नहीं है मुफ्त में दे रहा हूँ क्या एजुकेशन मगर मैं क्वालिटी देने लगा आई एम गोइंग टू ब्रेक मैं आई एम गिविंग अ बेटर प्रोडक्ट ये जितने भी टीचर्स सुन रहे होंगे ना ये वो मुझसे पहले डिसएग्री करेंगे फिर कहेंगे बात तो ठीक कह रहे हैं तो उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम करा रहे हैं वो नए सिस्टम के थ्रू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं ना मैं मेरे सिस्टम में मैंने आई मेड श्योर दैट एवरी चाइल्ड ऑफ माइन हु कम्स इन द सिस्टम इज अ टीचर अनलेस एंड अंटिल वो टीच करेगा उसको पढ़ना ही नहीं आना सही टीचर इज नॉट गॉड टीचर मैं हूँ टीचर आप हो वो है ये है हम जितने भी लोग हैं हम एक स्टेटस के बाद हम अगर कुछ पढ़ाना चाहें हम जाके अगर हमने उस अपने टॉपिक पे बात करनी है तो हम टीचर्स हो गए सो वो मैंने बचपन में ही उनके डाल दिया दे हैव टू टीच समबडी एल्स एंड वी विल बी ग्रेडिंग देम फॉर दैट अच्छा वो जो ग्रेडिंग है ना वो ये नहीं है कि हमने पास करना है फेल करना है ये करना नो कि वो कितना अच्छा समझा सकता है उसके पैरामीटर्स जो है वो उसके वो बताएंगे स्टूडेंट्स बट नाउ एक्चुअली ये आप उनकी स्किल्स को इन्हांस करेंगे वो हिडन स्किल्स होती हैं जो मेरा ख्याल है क्लास 10th यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे जाके उनकी निकलती है सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिशिंग देम इनिशियली ह्यूमंस वर नॉट डिजाइन फॉर क्लास 1, 2, 3 मैट्रिक इंटर पढ़ाना या तो तुम बोल दो कि माँ के पेट से जब निकलेगा तो वो जीरो पे हाँ जीरो पे अब आपने उसको ठप्पा लगा दिया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्यों भाई
बच्चों की आप वोकैबुलरी पढ़ाएं, बच्चों को बुक जो पेज वाली किताब है ना जिसमें पेज है उससे जान नहीं छूट सकती आपकी, जो मर्जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप कर लें उसके बगैर काम नहीं चलना, किताब पढ़नी पड़ेगी. एंड वी विल टॉक इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. थैंक यू.